नमस्कार, मैं भास्कर मिश्र कक्षा 10वीं का छात्र आज आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है परिवार। तो आप ध्यान से सुनिएगा। परिवार मात्र विधि और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी भी अलगाव का कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोड़ा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं। जीवन में हरेक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा जमुना की धार बना करते हैं। बीच भवन में ना फंसे तो ये परिवार बना करते हैं। परिवार कहीं जहाँ ममता को मदद नहीं होने देते, चौथे पद में माँ बापों को दरबदर नहीं होने देते। परिवार कहीं जहाँ भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलकर रामाता समझा जाए। परिवार कहीं जहाँ बेटी सीधा अनसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे, गायत्री गैया जैसी हो। परिवार कहीं जहाँ दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार कहीं जहाँ संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास बचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश बचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो करदान दिखाता था अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार छाव है प्रगति, परिवार सुखों के लिए है, ये पूर्व दिशा में दीपक है और पाव निकल सवेरे है। परिवार राष्ट्र के कर धार और संस्कार के है आधार। परिवारों से हमको होता है जीवन का साक्षात्कार। लेकिन ये परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मटका एक बार चटका तो वापस ना जोड़ पाओगे किसी और प्रयास से। तो टूटा परिवार जो टूटेगा भारत माता का हर सपना, टूट जाएगा भारत वंश ये सोचो के अपना अपना। रावण का जब परिवार टूटा था तो क्या हुआ था? टूटा परिवार दशानन का तो अंश तक ना बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर अंश तक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का जब जगई और मथुरा ने मिलकर के एक दुरेश की फादर की थी और अयोध्या का परिवार जब टूटा था तो क्या हुआ था? टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण डरा था मंगल में, 14 वर्षों तक फटके थे प्रभु लखन सिंहासन जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा जलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक और दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही कंदन स्मरण हुआ था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था। हमें बात दशरथ की स्थिति को देखें। दशरथ की क्या स्थिति थी? दशरथ का महान साम्राज्य था, परंतु परिवार के द्वेष के कारण क्या हुआ? पूरे साम्राज्य में ग्रहण लग गया और इसी वजह से दशरथ की मृत्यु भी हो गई। तो दशरथ कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट था, चक्रवर्ती राज था। द्वेष कटाते थे वो चार पुत्रों के पिता राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चार पुत्रों के पिता द्वेष कटाते थे वो दस दिशाओं में घूम चलता था, जिनके राम का जिनके आगे मेघ हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंख में स्वयं ब्रह्मा भी आकर चूमते, जिनके रथ को देवगण पंडे समझ कर चूमते, जिनके हथियारों के आगे चंद्र करते हीन थे, भाग देते प्राण लेकर रण जीते हीन थे। वही दशरथ आज जो अपने पन देने को डर रहे, परिवार की दूसरे प्रपट्टा में उलझ कर कर रहे, तो बात दूसरों की सुनहरी की तरफ क्यों की सुनो? पुत्र की माता पिता से की तरफ क्यों की सुनो? एक तरफ है राज और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जति जिला, एक तरफ है ठाट सत्ता का राज अहंकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है शासन का बड़ा उत्कर्ष है और एक तरफ 14 वर्ष का दंड निकलने से है। तो आप अंतिम अंक पढ़ता हूँ श्रद्धा की। हमारे आदर्श भगवान श्री राम ने किस समय क्या किया उसको देखते हैं। मुस्कुरा कर राम ये बोले, मेरी भैया सुनो, अर्थात मेरी सीते सुनो, गुरु आप और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं। और रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीत ना चली आई, प्राण जाए पर भजन न जाए। तो राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, पुत्र की माता पिता से पीठ से बढ़कर नहीं। परिवार कुछ ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चलता हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ के शासन हृदय की आस को भी चुन लिया, नाम ने 14 वर्ष वनवास को भी चुन लिया। जय श्री राम।